जिथे कहा कि तुम फसल जिथे मर्जी बेच सकते हो, यह सानू सिर्फ एक भुलेखा पाया गया कि उन्होंने उत्ते कंपनियां लोन लेंदियां ने, लोन लेके कंपनी नहीं चली, कंपनी चली गई और जिमीदार की जमीन आ जदों तक कर्जा नहीं उतरू जिमीदार नूं जमीन वाहण दा हक नहीं। और मोदी नूं दिन दिहाड़े जे जनता इन्नी तदाद नाल जिता सकती है तो उहदी कुर्सी नूं ला भी सकती है। अज जे साडे लीडर उत्थे इस हक दे विच अस्तीफा दिंदे ने, मैं कहूंगा साडे हक च नहीं दिंदे, इह वी इक बहुत वड्डी चाल आ साडे कोल वोटां वास्ते आउण नूं। सिर्फ पास है कह के गुंडागर्दी दे नाल इस बिल नूं पास कराया गया। पार्टी दे वर्कर ने वो कह रहे ने भी मोदी ने जो बिल लिया अज तक पास ही किया पिछे नहीं हटता। जेडे साडे ते अज राज कर रहे ने निकरां वाले, इन्हां दे सिर्फ 6% कुर्बानियां ने दोस्तों। साडे ते बछाणा पैण पाणी दिया, सानू फांसियां होण, सानू जेलां होण, असीं हर हालत दे विच इह कानून वापस करा के रहांगे। कि मोदी नूं असीं इहदा जिहड़ा जवाब है पूरा मूंह तोड़ मां देवांगे, किसी चीज़ की कोई ऐसी कमी पेशी नहीं रहने देवे। वो कॉलेजों के बीच अपनी छोटिया छोटिया लड़ाइया लड़ता गैंगस्टरों के रस्ते अपना है, थोनू की लगता वो नौजवानों को अज लोड़ है संघर्ष चाहिए। सेंटर सरकार वालों पास किए गए 3 ऑर्डिनेंस बिल जिन्हों के विरोध में पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा अते बाहरलियां स्टेटां विच भी इस दे विरोध विच रोस प्रदर्शन हो रहे ने। पंजाब विच लगातार धरने चल रहे ने, पटियाला ते बादल हल्के विच बादल दे घर दे अगे किसानां वल्लों निरंतर धरने जारी ने, पर इस दे बावजूद वख-वख पिंडां विच भी इस दा विरोध हो रहा है। अज असीं खड़े हां पटियाला दा पिंड सिंबड़ो जिथे किसान आगूआं वल्लों अते पिंड वासियां वल्लों मोदी दा पुतला फूकिया गया है। तो साडे नाल किसान आगू ने, क्रांतिकारी किसान यूनियन तो ने, उन्हां नाल करदे आं गल, उन्हां दा की कहना है ते अज जिहड़ा पुतला फूकिया गया इस बारे उन्हां दे की विचार ने। हाँ जी, की नाम है जी अपना? मेरा नाम परमजीत सिंह है जी। हाँ जी, अज दा जिहड़ा इह पुतला फूकिया गया इस बारे दस्सेंगे तुसीं? हाँ जी, हाँ जी, जो मोदी सरकार ने 3 ऑर्डिनेंस जिहड़े किसानां दे खिलाफ पास कीते है जी, पंजाब दीआं सारीआं जथेबंदियां ने, किसान मजदूर जथेबंदियां पूरीआं सरगर्म ने। माण वाली गल आ भी नौजवान भी ये बहुत साथ दे रहे हैं, पूरा लहर बनी हुई है किसानों के हक के, सारे मीडिया वाले भी पूरा जोर दे रहे हैं बारे। पर बड़े दुख की गल है भी जो मंडी बोर्ड के नाल 3700 करोड़ रुपया जिहड़ा पंजाब नूं कमाउंदे ते लोक किसानां मजदूरां दे हिस्से पैसा आउंदा सी, इह टुट्टण दे नाल जिहड़ा किसान ने मजदूर ने इहनां दी हालत जमा माड़ी हो जाणी है, खुदकुशियां दे राह चले जाणे ने सारे। इस करके असीं तां पूरा विरोध करदे हां। ਸਾਡਾ 25 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਰ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਟਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂ। ਇਹ ਮਰਨ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪੂਰਾ ਐਲਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ
लोग एकता से माण है, लोग जग पे आ जोड़ा यूथ है सब तो माण करते हैं, जो पंजाबी डायट है जो भी मर्जी है सारे किसानों के हक आए थे, सारी मीडिया साढ़े हक आई है, असं पूरा माण करते हैं भी वापस करवा के हटा के अं। हाँ जी, साढ़े नाल होर भी किसान आगू ने उन्होंने करते हैं गल। हाँ जी, की नाम है जी अपना? गुरजंट सिंह। हाँ जी गुरजंट सिंह जी, ये जिहड़ा ऑर्डिनेंस आए ने इसनू तुसी किस तरह देखते हो? ये ऑर्डिनेंस पूरी तरह किसान मारू नीतियां ने जेडे तिने ऑर्डिनेंस सरकार लेके आई आ। मैं किसानों नू बड़ी विस्तार दे नाल दसना चाहुंदा कि ऑर्डिनेंसा दे नाल जिथे कहा कि तुसी फसल जिथे मर्जी बेच सकदे हो, ये सानू सिर्फ एक भुलेखा पाया गया। एक 3 किलियां का किसान, 5 किलियां का किसान जिहड़ा पटियाले तक लिजाण लग्या, जनसो नू फिक्र पै जांदा कि किराया किन्ना लगू, वह कित्थे हरियाणे च लैजू कित्थे हिमाचल च लैजू। नंबर 2, इन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस के नाल असीं फार्म कॉन्ट्रैक्टिंग वाला कर रहे हैं, उहदा देखण वाली चीज़ आ कि पैप्सी ने कॉन्ट्रैक्ट किया जिमीदारां दे नाल कि थोड़े आलू असीं लवांगे। आलू उन्होंने लए जिन्हें आलू की लोड़ थी लैके, बाकी का आलू जिमीदारां कहणगे सड़ दो सानू कोई लोड़ नहीं। कोई भरोसा नहीं सरकार का इन्हां ऑर्डिनेंसां दे उत्ते। तीजा, उन्होंने ऑर्डिनेंस दे विच इह गल कही आ कि जिहड़ी जिमीदारां दी जमीन आ असीं बड़ी बड़ी कंपनियां नूं लैके आवांगे, बड़े बड़े फार्म बनावांगे। थोड़ी जमीन कंपनियां ग्रहण कर दियां ने। नाल एक होर मैं किसानों नूं दसना चाहुंदा, मैं कल ही इस चीज़ नूं पढ़िया कि उन्हां दे उत्ते कंपनियां लोन लैंदियां ने, लोन लैके कंपनी नहीं चली, कंपनी चली गई और जिमीदार दी जमीन आ, जदों तक कर्जा नहीं उतरू जिमीदार नूं जमीन वाहुण दा हक नहीं। साडे किसान भरावां नूं मैं खास करके ये गल कहूँगा, सारी पार्टी बाजियां तों उठ के, चाहे कांग्रेस आ चाहे अकाली दल आ चाहे आम आदमी पार्टी आ, साडा फर्ज बनदा किसान मजदूर एकता का साथ दईए। और मोदी नूं दिन दिहाड़े जे जनता इन्नी तदाद नाल जिता सकती आ तां उहदी कुर्सी नूं ला भी सकती आ। अज भी याद होऊ 1975 दे विच कांग्रेस ने एमरजेंसी लाई थी और कित भी एक चिड़ी नहीं थी फर्क सकती। उस एमरजेंसी उस समय के श्रोमणी अकाली दल ने मंगारिया और एमरजेंसी के गिरफ्तारियां दत्तियां और एक ना एक दिन वह एमरजेंसी तोड़नी पई और उस इंदिरा सरकार बुरी तरह फेल हुई। अज जे साडे लीडर उत्थे इस हक दे विच अस्तीफा दिंदे ने, मैं कहूँगा साडे हक च नहीं दिंदे, ये भी एक बहुत वड्डी चाल आ साडे कोल वोटां वास्ते आउण नूं। सानू सारे भरावां नूं एका करना चाहीदा कि असीं कल्ली पार्टी ना देखिए, सिर्फ उन्हां नुमाइंदियां नूं वोटां पा के भेजिए जिहड़े साडे हकां दे वास्ते लड़न। राज सभा दे विच बहुत वड्डा धक्का होया जदों बार बार ये गल कही गई कि वोटां पवाओ, उस समय मोदी नूं की खतरा थी जे उहदे इन्ना बहुमत थी, उन्हें क्यों नहीं वोटां पवाइयां? सिर्फ पास है कह के गुंडागर्दी दे नाल इस बिल नूं पास कराया गया जिहदी असीं पुरजोर निखेधी करदे हां। और मैं इस चीज़ का शरेआम अपील करदा सारे जिमीदार भरावां नूं, सारे मजदूर भरावां नूं कि हर एक घर का एक एक बच्चा सानू इस लहर दे विच शामिल होवे और एक ना एक दिन ये जिहड़े काले कानून वापस लैने पैणगे, हर हालत दे विच लैने पैणगे। इन्ना कहिंदा होया खिमा दा जाचका। जिद्दां मोदी सरकार दे नुमाइंदे जिहड़े उहनां दे पार्टी दे वर्कर ने उह कह रहे ने वी मोदी ने जो बिल लिआंदा अज तक पास ही कीता उह पिछे नहीं हटदा, तुसीं किस तरह देखदे? इस चीज़ का कदे भी कोई किसे चीज़ का लास्ट नहीं हुंदा। सुप्रीम कोर्ट दे विच जाओ, अज तक याद होगा क्योंकि जिहड़ियां साडियां दालां ने जिहड़ियां साडियां जरूरी वस्तां दियां, इन्हां नूं जरूरी वस्तां दी कैटागरी चों कढ़ता। जिहड़ा मर्जी चाहे स्टोर जिन्नी मर्जी कर सकदा व्यापारी, पर नहीं इह गल नहीं है। अज भी सुप्रीम कोर्ट दे उत्ते साडियां अदालतां दे उत्ते सानू विश्वास आ, सानू माण आ, जदों कोई भी रास्ता ना निकला असीं अदालतां 'च भी जावांगे और असीं सड़कां दे उत्ते भी जावांगे, असीं हर एक मंत्री दे घर दा घराओ करांगे। मैं तां इत्थों तक कहूँगा कि असीं इन्हां नूं पिंडां 'च वड़न तों रोकांगे। जिद्दां जे इन्ना विरोध करेंगे तां उहनां दी सरकार आ, उहनां कोल सेना ऐ ते अपना लाठीचार्ज हो रहे ने, आपां अगे भी देखदे हां जो विरोध करदे ने ते लाठियां। इस चीज़ दे नाल मैं 100% सहमत हाँ, कल्ले पंजाबी लाठियां खाण वास्ते तैयार नहीं। 75% कुरबानियां पंजाबियों ने आज़ादी के वास्ते दित्तियां ने और 19% कुरबानियां बंगालियों ने दित्तियां ने जिहड़े साडे ते अज राज कर रहे ने निकरां वाले, इन्हां दियां सिर्फ 6% कुरबानियां ने। दोस्तों साडे ते लाठियां पैण, साडे ते बुछाड़ां पैण पाणी दियां, सानू फांसियां होण, सानू जेलां होण, असीं हर हालत दे विच इह कानून वापस करा के रहांगे जी। साडे नाल होर भी किसान आगू ने उहनां नाल करदे हां गल। हाँ जी, की नाम है जी अपना? महंत बलविंदर दास।
ये बलविंदर दास जी, तुसी किस तरह देख रहे हो जो सेंटर सरकार वालों ये ऑर्डिनेंस बिल पास किए गए ने? ये बिल बिल्कुल गलत ने साडे किसानां वास्ते ते मजदूरां वास्ते। सानू इस दा सब तो बड़ा दुख है क्योंकि साडे जिमीदारां दीआं जिन्नियां मंडियां ने वो दो दो तीन तीन किलोमीटर से दियाँ। सानू फसल लिजाणी बहुत ज़्यादा सकाली सी, कोई भी साढ़े ते खर्चा नहीं थी हो सकता, पर जिहड़ा ये अपना ऑर्डिनेंस है इहदे नाल साडे जिमीदारां ते बहुत वड्डा बोझ है क्योंकि वो अपना फसल दूर जाके बेचणगे, उहदे ते साडा खर्चा वधूगा ते साडा बहुत वड्डा एक नुकसान है जी। ते मैं ये गल कहना साडे जिन्ने भी नौजवान ने, बाकी मेरियां भैणां मतावां अते साडे मजदूर ने, वो सारे एका करके असीं 25 तरीक नूं जो पटियाले दे मेन तो पंजाब बंद करन चले हैं, सारे सानू साथ देंगे। ते मैं ये गल स्पष्ट करनी चाहना कि मोदी नू असीं इहदा जिहड़ा जवाब है पूरा मूँह तोड़ मां देवांगे, किसी चीज़ की कोई असीं कमी पेशी नहीं रहन देवांगे, भावें सानू साढ़े जिन्हें भी बुलारे ने दस्या कि सानू फांसियां होण जो भी मर्जी होवे, साडी नौजवान पीढ़ी का इक्को फर्ज बनता है कि असीं साडी नौजवान पीढ़ी दे लई इह तब्बा नहीं लगन देवांगे। सो असी मैं ज़्यादा कुछ ना कहा, मैं इक्को गल कहना कि असी जिहड़ा ये कानून है ये मोदी नूं बास करा के हटांगे जी। तो एक सवाल होर सरदार साहब, जिदा ये मोदी सरकार वालों बिल लिआंदे गए ने, किसानां दी बड़ी देर तो मंग सीगी स्वामीनाथन रिपोर्ट दी, वह इन्हां दी पूरी नहीं हुई, इन्हां ते एक होर इदां दा काला कानून लागू करता, तुसीं किस तरह देखदे हो? बहुत बहुत ज़्यादा यह साढ़े नाल धोखा किया गया। जिस समय पहली बार मोदी सरकार आई है इन्होंने वादा किया कि असी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करांगे, पर बड़े दुख की गल है कि जदों उन्होंने कुर्सी मिल गई, बहुमत मिल गया, उन्होंने अपनी इस जिहड़ी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट थी इनू लागू करने तो इनकार करता। पर नाल ही एक चीज़ मैं होर भी जरूर कहूँगा, साडी जिन्नियां भी किरती किसान यूनियन बनिया हुई ने, जेकर सारिया यूनियन किसी एक झंडे के थले कट्ठे हो के इस लड़ाई नू लड़न, तो मैं कहूँगा ये बाखूबी बहुत जल्दी असी ये लड़ाई बड़े आराम दे नाल जितांगे, क्योंकि डिवाइड एंड रूल पाड़ो तो राज करो की नीति अंग्रेज़ों ने सानू रगड़िया, और अज वो जिहड़े काले अंग्रेज साढ़े उत्ते बैठे ने ये भी सानू करते हैं। जिस तरह परमजीत सिंह ने दसा कि सारिया साढ़िया यूनियन इकट्ठिया हो रही ने, और मैं सब दे लीडरां नू बधाई दिंदा अपने वालों कि असी इकट्ठे होकर लड़िए, और मैं यकीन नाल गल पूरे दावे नाल कहूँगा कि असी हर हालत च कानून वापस करा के रहेंगे और पंजाब के जिमीदार को सदा वास्ते जिंदा रखेंगे। जिदा पंजाब का नौजवान ज़्यादातर किसान वर्ग नाल जुड़िया, नौजवान किसानी नाल वो कॉलेजों के बीच अपनियां छोटियां छोटियां लड़ाइया लड़ता, गैंगस्टरां दे रस्ते अपनाउंदा है, थोनू की लगता वो नौजवानों अज लोड़ है संघर्ष चाउण दी? बिल्कुल पूरी तरह लोड़ है, खास करके मैं तो यह कहूँगा जिहड़े साडे गायक वीर हथियारां दा प्रदर्शन करके नौजवानों अपने मगर ला रहे हैं, अज वो नौजवानों लोड़ है साढ़े नाल लगन, क्योंकि हथियार तो सरकार बड़े चक्की फिरती है, अगर वो हथियार दे के खुश ने, हथियारों की लड़ाई लड़के खुश ने, तो सरकार साढ़े ते हथियार भी चलाऊगी, वो सारा कुछ चलूगी। जे अज बजुर्ग सियाने लड़ाई लड़ रहे हैं तो सिर्फ असं आने वाले नौजवानों के भविख वास्ते लड़ रहे हैं, साड़ी आने वाली पीढ़ी के वास्ते लड़ रहे हैं। जे सरकार मंगा नहीं मानती अगे संघर्ष किदा किया जाऊगा? जेकर सरकार साड़िया मंगा नहीं मानती तो जिस तरह भी साड़ी हाई कमांड जा साड़िया जिहड़ियां यूनियन बनिया बनिया हुई ने, इन्हां दे जिहड़े लीडर ने वो जिवें दा भी प्रोग्राम लोगों को देंगे, असी पूरी तौर पर उहदे नाल सहमत होकर इस लड़ाई नूं लड़ांगे जी। धन्यवाद जी। हाँ जी, ये सन किसान आगू जिन्हां दा कहना है कि असी ये ऑर्डिनेंस बिल वापस करा के हटांगे, अगला प्रोग्राम जिदों जिदा साडे उच्च अधिकारी सानू दसणगे, यूनियन दे आगू दसणगे, उस दे हिसाब नाल लिखिया जाऊगा। पासो तो मनविंदर सिंह टवाणा, पंजाबी लोक चैनल।